नमस्कार। जैसे कि हमने अपनी पहली वीडियो में देखा कि कैसे हम एक सिंपल एक पेज की अपनी वेबसाइट बना सकते हैं यूजिंग द गूगल साइट, अब हम इस वीडियो के अंदर देखेंगे कि हम कैसे मल्टीपल पेजेस की वेबसाइट बना सकते हैं। उसके लिए हमने जो अभी तक एक टैब का यूज़ नहीं किया है वो है पेजेस। तो अब हम उसी को आगे कंटिन्यू करते हुए अब हम क्या करेंगे, हम क्लिक करेंगे पेजेस पर। तो जब हम पेजेस पे क्लिक करते हैं तो हमें दिख रहा है कि जो मेरा डिफ़ॉल्ट पेज है वो है हमारा होम पेज। अगर हमें इसमें कोई चेंजेस करने हैं तो हम कर सकते हैं, हम इस पेज को डुप्लीकेट कर सकते हैं, हम इसकी प्रॉपर्टीज चेंज कर सकते हैं या हम सब पेज ऐड कर सकते हैं। अब अगर हमें एक नया पेज ऐड करना है तो उसके लिए जो नीचे प्लस का साइन है हम इसे दबाएंगे, इससे हमारा न्यू पेज आ जाएगा और हम देखेंगे कि हमें क्या उसके अंदर ऐड करना है। जैसे मैं डालना चाहती हूँ कि डे वन पे हम क्या पढ़ेंगे, तो मैंने नेक्स्ट पेज का नाम दिया डे वन, उसे हम क्लिक करेंगे। तो अब आप देखेंगे अब आपके पास होम भी है जिसके अंदर हमने पिछली वीडियो में सब क्रिएट किया था, टेबल ऑफ कंटेंट्स, मैप्स एट्सेट्रा, और दूसरा है हमारा डे वन। अब हम डे वन के अंतर्गत हम यहाँ पे इमेज भी चेंज कर सकते हैं, तो हम पहले इमेज चेंज कर देते हैं अपने हर एक पेज की और अब इसके बाद हम इसके अंदर हम जो इमेज जो भी हम चीज़ करना चाहें, हम इमेज इंसर्ट करना चाहते हैं तो हम इमेजेस इंसर्ट कर सकते हैं, नीचे हम टेक्स्ट इंसर्ट करना चाहते हैं तो हम टेक्स्ट इंसर्ट कर सकते हैं, हम ड्राइव से कुछ लेना चाहते हैं तो हम वो भी कर सकते हैं। अगर मुझे ड्राइव से कुछ लेना है, मैं यहाँ पे कुछ FDP का डालना चाहती हूँ कि पिछली FDP में हमने क्या सीखा, तो हम वो भी ऐड कर सकते हैं यहाँ पे। तो हम यहाँ पे ऐड करते हैं टेक्स्ट सिलेबस फॉर डे वन, और इसके बाद मैं इसका लेआउट चेंज करना चाहती हूँ तो मैंने ये वाला लेआउट सिलेक्ट किया और हम यहाँ पे अपलोड कर रहे हैं हम कोई इमेज अपलोड कर सकते हैं या हम कोई वीडियो भी अपलोड कर सकते हैं। तो हमने ये इमेज अपलोड करी, यहाँ पर हम कोई YouTube का लिंक ले सकते हैं, अपलोडेड में से भी हम ले सकते हैं या वीडियो सर्च में से, हम यहाँ पे कुछ भी टाइप करेंगे। मैं अपनी ही वीडियोस टाइप कर रही हूँ तो मैंने लिया शिखा मेनानी और मैंने अपनी ये वाली वीडियो सिलेक्ट करी जिससे कि हम दिखा सके कि लोग कैसा कर सकते हैं हमारा ये कोर्स करने के बाद। यहाँ पर हम फिर से कुछ भी कैलेंडर हम ऐड कर सकते हैं जिससे कि हम लोगों को दिखा सके कि हमें क्या क्या चीज़ें हम सिखाने वाले हैं। तो कैलेंडर के अंदर हम हॉलीडेज़ इन इंडिया या ये जो भी मेरे ऑलरेडी एग्जिस्टिंग कैलेंडर्स हैं मेरे जीमेल अकाउंट में, ये सब मुझे वही शो कर रहा है। तो आप इसके अंदर कोई भी चीज़ शो कर सकते हैं। तो हमने यहाँ पे ये कैलेंडर इंसर्ट किया है, ये हमारे पास आ गया हॉलीडेज़ इन इंडिया का कैलेंडर। आप अपना कैलेंडर जो आपने डे वन का बनाया है आप वो भी इंसर्ट कर सकते हैं। अब हम एक और पेज इंसर्ट करते हैं, उसके लिए हम फिर से जाएंगे पेजेस पर, हम फिर से क्लिक करेंगे प्लस पे और हम करेंगे क्लिक एग्जामिनेशन पर। अब हम अगर चाहते हैं कि हम होम पेज पे एक बटन बनाएं जिससे कि हम उसे जैसे ही कोई क्लिक करे वो डे वन पे चला जाए, तो उसके लिए हमें क्या करना है, हम जाएंगे इंसर्ट पे, हम नीचे जाएंगे और यहाँ हम जाएंगे बटन पे, उस बटन पे हमें क्या नाम देना है। तो हमने लिखा एग्जामिनेशन और लिंक किसका देना है, लिंक ही आपको ऑटोमेटिकली उन्हीं पेजेस का दिखाएगा जो आपने पेजेस क्रिएट किए हैं। तो हमने एग्जामिनेशन क्लिक किया और ये हमारा आ गया इंसर्ट। तो जैसे ही कोई इस पर क्लिक करेगा, अभी क्योंकि हमने पब्लिश नहीं किया है लेकिन जब हम पब्लिश कर देंगे तो जो भी कोई इस पर क्लिक करेगा वो ऑटोमेटिकली हमारे एग्जामिनेशन वाले पेज पे चला जाएगा। तो इस तरीके से आप अपनी एक खुद की वेबसाइट क्रिएट कर सकते हैं जिससे आप स्टूडेंट्स के साथ वीकली, मंथली या पूरे सेशन का शेड्यूल अपना ड्राफ्ट कर सकते हैं। उम्मीद है कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी और आप इसका इस्तेमाल ज़रूर करेंगे। धन्यवाद।